शाम लाहौर से और आज टोनी 2023 सेमीफाइनल सेमी दरमियान और, और दोनों टीमें आप के सामने स्क्रीन पर काफी स्टार स्ट नाम है इन दोनों टीमों में सेरामिक्स ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया

ने अपने कप्तान के टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने के फैसले को, को दुरुस्त साबित किया ये लेग स्टंप की जानब स्ट्राइक कर गई अली की गेंद ईशान के पास कोई मौका नहीं था गेंद को रोकने का अंपायर का इशारा लेग बाय के चार रन और किनारा स्लिप में कोई फील्डर नहीं था चार रन का और इजाफा ये अच्छी कप्तानी नहीं है और ये रब्त हो गया गेंद का बल्ले से और नतीजा भी मतलूबा मिल गया नईम ने रफ्तार का इस्तेमाल किया और ये कमजोर शॉट और बड़ा उमदा कैच सामने की जाने डाइव करके लंबे फास्ट बॉलर के लिए कैच करना आसान नहीं होता उमैद आसिफ ने अपनी इफादियत साबित की और बिलाल मुकीत जो है इनकी मुजामत दम तोड़ गई कि ये ज्यादा ये प्री प्लान शॉट था डिसाइड किया था कि बड़ा हिट मारना है बेड विकेट की जाने लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि जितनी पेस है न्याज के पास इस तरह की शॉट आप क्लब क्रिकेटर से नहीं खाएंगे ये अच्छी फील्डिंग नहीं बहुत करीब मौजूद थे शॉट एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पर और ये गेंद हाथ लगी नहीं फील्डर के अखलाक ने पहला चौका लगाया अच्छा कवर ड्राइव और ये बाउंड्री के पार उतार दिया अखलाक ने गेंद को जब जब मोहम्मद अखलाक खेल रहे हूँ आप चौके छक्के से ज्यादा दूर रहते नहीं इसे स्विंग कर दिया लॉन्ग लेग पर फील्डर आ चुके हैं और ये इनिंग्स जल्दी अंजाम को पहुंच गई अखलाक जो ज्यादा जल्दी में नजर आ रहे थे इस बार गैर यकीनी के अंदाज में हुक शॉट उन्होंने खेला और गेंद महज शब के आसमानों में ही पहुंच सकी उतरने से पहले ये बॉल स्क्वायर की जाने खेलना चाहते थे स्विंग अच्छा था बॉल लेकिन एलिवेशन ज्यादा नहीं थी फोर्स ज्यादा नहीं थी बॉल हवा में ज्यादा देर रही और एक आसान सा कैच लेके एक बड़ी विकेट हासिल की इस बार अच्छे तरीके से प्लेस किया ऑफ साइड पर बड़ा शानदार छक्का था और बिल्कुल उस समय खेला जहां पर कोई नहीं और कोई नहीं था फुल टॉस बड़ा शानदार एक अटैम्प्ट देखता होगा कहां कहां से कहा तक जाती है और गेंद काफी आगे चली गई बहुत जबरदस्त तरीके से एक लगाया ने ये गेंद हवा से बातें करती हुई जा रही है लेकिन और शानदार कैच यहाँ पर किया है न्याज खान ने ये गेंद काफी देर हवा में रही लेकिन न्याज खान गेंद के नीचे आए और मोहम्मद नईम की बड़ी विकेट दिलवाई है उमैद आसिफ को सेंसिबल बॉलर हैं क्लेवर बॉलर हैं इस बार उन्होंने ऐसी गेंद की जिसमें रफ्तार ज्यादा नहीं थी लेंथ बेहतर थी इन साइड लगा और गेंद काफ़ी देर तक हवा में रही लॉन्ग ऑन पर एक महफूज कैच था फील्डर के लिए तो इस तरह एक और धचका लगा है एच लाल को और लगता है कि अब मुश्किलात होंगी गेंद गई है लॉन्ग ऑन पर सीधी फील्डर के पास तो सलमान अली आगा को कामयाबी हासिल हुई शोएब आउट हुए तो इस तरह ये पांचवी विकेट गिरी है एच बलाल की एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था सीधा फील्डर के हाथ में अच्छा गेंद था खिंची लेंथ थी और शॉट में कोई जान नहीं थी बिल्कुल हमारे स्कोरर जहूर आलम के सामने से इस गेंद को पकड़ा कैच किया और पांचवा नुकसान उठाना पड़ा है एचबी लाल को महज उनसठ के स्कोर पर जोरदार पुल है इस बार और इसके इंतजार में थे सलमान ये छक्का है और बिल्कुल अफाक को इसकी कतई तौर जरूरत थी कैसी गेंद करें जो कि लूजर जिसका इंतजार कर रहे हैं आमिर पुल ये अच्छी पुल है और वहीं पर गई जो इसका ठिकाना था डीप स्क्वेलर के ऊपर से छः रन के लिए तो एक जन्नाटेदार छक्का था लकी रह जाएंगे यहां चार रन मिल जाएंगे बॉलर का ज्यादा कसूर नहीं था लेकिन ये टी ट्वेंटी क्रिकेट है आमिर जमाल को उनकी दलेरी का सिला मिला और बोल्ड हो गए यहाँ पे एंजॉय किया न्याज ने जो बॉल विक्टों को टकराने की आवाज आई और विकटे जगमगा उठी आमिर जमाल की इनिंग्स बुझ गई पढ़ने के बाद एकदम से सीमा बॉल अंदर की तरफ आया और कोई मौका नहीं था इस ड्राइव किया गैप भी हासिल किया शानदार क्रिकेटिंग स्ट्रोक था ये और मच नीडेड बाउंड्री सलमान के लिए बहुत ही तगड़ा शॉट खेले हैं ये अच्छा शॉट है और ये निकल जाएगा छोटी बाउंड्री की जाने थोड़ी सी विथ जरूर मौजूद थी और उस्मान ने उसका पूरा फायदा उठाया इसके साथ ही सौ रन भी मुकम्मल कर लिए देखिए जिस तरीके से इसको पुल करने गए थे और अपनी विकेट खो बैठे अगेन सीधी स्टम्स के ऊपर जाके लगी और उस्मान जो कि क्रॉस खेले थे अपने आउट होने पर जहर के मायूस हुए हैं ये एक फिर पक लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई है गनी की बड़ी नबी तो बॉलिंग की है सलमान अली आगान ने और ये दूसरी उनको कामयाबी हासिल हुई है अगेन नीचे रह गई थी और आप देख सकते हैं कि पल्ला बहुत दूर था कोसों दूर था गेंद के साथ शायद ये पैड से भी लगी है और एक और विकेट ले उड़े इस बार भी ये ऑफ कटर थी बैट्समैन ने अपनी स्टम्प्स को बेनकाब छोड़ा अठारह गेंद खेलने के बाद बैटर इस तरीके से बैटिंग करते नहीं है हाँ जाहिर है कि उनको, उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए था पंद्रह रन भी अच्छे तरीके से जोड़ चुके थे एक बार फिर कटर इनटू टू तो द पिच और ये विकेट मिल जानी चाहिए उम्दा कैच लिया पीछे की जाने जाते हुए और ये जुनेद अली जिन्होंने पिछले मैचेस में विकेट कीपिंग की थी आज क्योंकि जीशान विकेट कीपर हैं आउटफील्ड में भी उन्होंने अपनी फील्डिंग का कर्तव्य दिखाया अच्छा कैच लिया खासा हाई कैच था बैक ऑफ द हैंड ये स्लो डिलीवरी थी बेनियाजी से खेले नहीं मालूम के गेंद को कहाँ खेलना चाहते थे और एक और विकेट दे दी नियाज को जो कि चार विकेट हासिल कर चुके हैं क्या ये हिट विकेट हो गए क्योंकि गेम गुजरने के काफी देर बाद ये बेस गिरी हैं और यह मैदान पर खासी ड्रामाई सूरत हाल है अंपायर आसिफ चलते हुए आ रहे हैं ऐसा लगता है कि टीवी अंपायर से पूछा जाएगा ये इनका बल्ला लगा है जब ये पीछे आए यहाँ इनका बल्ला टकराया जी हाँ ये हिट विकेट है हिट विकेट है जिस तरह ख्याल था यहाँ कमेंट्री बॉक्स से यही हुआ है इतने बेखबर थे कि उनको ये अंदाजा नहीं हो सका कि वो विकेट के कितने करीब कर रहे हैं और सलमान शाह ने ही हाथों ये अपनी विकेट खो दी

ऐसी ही एफर्ट की जरूरत थी सरप्राइज सर्प्र, कर दिया वकास मकसूद को भी निशान अशरफ को भी ये सलमान फयाज हैं जो पाकिस्तान से अंडर 19, 19 क्रिकेट पाकिस्तान अंडर टीम क्रिकेट का हिस्सा रह चुके हैं बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है यहाँ पे और निशान अशरफ को चलता कि आप क्लोज 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 जी हाउट दे दिया ओह यही आगाज चाहिए था वकास मकसूद की जानब से दो बड़ी विकेट पहले ही तीन बॉलों पर हासिल कर ली है सलमान अली आगा आग शॉट सिलेक्शन क्रॉस खेलने चले गए फॉर्म को कैश इन नहीं कर सके और बड़ी विकेट यहां पे दे दी है एच बिलाल को नए गेंद के साथ सनसनी फैला दिया वकास मकसूद ने ये मिडल स्टंप पर गेंद पिच हुआ सीधा रह गया और आगा सलमान इसे ऑन पर खेलना चाहते थे बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने टकराया कोई मुश्किल नहीं हुई अंपायर को यह फैसला करने में अच्छा शॉट है अच्छा शॉट है गैप में शॉट है चार रन मिल जाएंगे तैयब को बेहतरीन शॉट, लाजवाब टाइमिंग और एक्सलेंट प्लेसमेंट जो की जानेब से बहुत ही अथॉरिटेटिव शॉट, चार रन हासिल किए और इस वक्त पोल कर दिया खराब लाइन थी और इसका पूरा फायदा उठाया जुनेद ने मुसलसल दूसरी बाउंड्री यहां पर मिली है करीबी विकेट हासिल कर लिया आमिर जमाल ने एक और विकेट रही है के लिए। इस बार इन फॉर्म जुनेद वापस जाएंगे ये बॉल सीधा पड़ा और सीधा ही विकेट जा, जाके लग रहा था थोड़ा नीचे भी ये गेंद रहा लेकिन बिल्कुल विकटों के सामने थे मोहम्मद आसिफ को कोई मुश्किल पेश नहीं आई और अब यह मैच अली किसी भी जानब जा सकता है नौ रन बनाने के बाद जुनेद वापस जा रहे हैं दो के बाद अट्ठारह घनी सरमिक्स तीन कीमती विकटें तगड़ा शॉट कैप में चार रन के लिए एहसान भट्टी की जानब से काउंटर अटैक करते हुए इस बार हवा में बॉल हवा में बॉल हवा में बॉल फील्डर जी हां कैच ले लिया एक और इंपॉर्टेंट विकेट बहुत ही शानदार कैच लिया है इस बार ताहिर बेग थे फील्डर्स को एक पे खड़े हुए और एहसान भट्टी की बड़ी विकेट हासिल कर लिया आमिर जमाल ने इस मैच में अभी बहुत कुछ बाकी है बड़ी विकेट एहसान भट्टी वापस जाते हुए संसनी फैला दी है आमिर जमाल और वकास मक्सूद ने एहसान भट्टी का कैच लिया है उन्हीं की टीम के साथी ताहिर बेग ने ये टॉप एच था और शानदार तरीके से ग्राउंड को कवर किया और कैच करने में कामयाब हुए चल, चल, चल। और ये चौका होगा बड़ी शानदार पुल थी और थोड़ा सा प्रेशर रिलीज किया है इस बार बल्कि काफी प्रेशर रिलीज किया है इस बार तयब ने एक लूज गेंद थी सलमान शाह की और उसके साथ वही किया जो कि होना चाहिए था

यहाँ क्रेडिट देना होगा कप्तान और सलमान इरशाद को जिन्होंने फील्ड में तब्दीली की और मिड विकेट के फील्डर को आगे बुला लिया इस बॉल से पहले दो चौके कंसीड किए उसके बाद फील्ड एडजस्टमेंट की और यहां पर ताहिर चूक गए एक मरतबा फिर इस विकेट पे हमने देखा तवील कामत बॉलर को एक्स्ट्रा बाउंस मिला और तैयब इस पुल शॉट को कंट्रोल करने में नाकाम रहे बहुत बड़ी विकेट सेट बैट्समैन स्टार बैट्समैन तैयब ताहिर चौदह रन बनाकर आउट हो गए

पिचड इन लाइन थोड़ा सा क्रॉस द लाइन खेले क्या बॉलिंग है वकास मकसूद छा गए अच्छे तरीके से घुमाया है ये चार रन हो जाएंगे बिल्कुल अपनी रिस्क को रोल किया इस बार मौसन ने और उस जगह पर स्ट्रोक अकेला जहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था ये लेग बाई का इशारा कर दिया गया है विकटें चाहिए होंगी और ये मिलनी चाहिए थी विकेट पूछ ले जरूर ताहर बेग जो है अगर बर्व उनके टाइम ठीक होता उनके जंप का तो ये विकेट मिल जाती कीमती विकेट इस बार ये फ्लिपर इसे बिल्कुल नहीं समझ सके लेंथ और लाइन दोनों को उस्मान कादिर ने पहला शिकार किया थी विकटों के करीब से की और जब तक नीचे आते मोहम्मद अली ये गेंद उनके पैट से टकरा चुका था और बहुत ही आसान फैसला वलीद इकबाल के लिए और ये अच्छा शॉट लेकिन बहुत अच्छा शॉट नहीं था उस्मान खादिर ने कैच कर लिया बहुत देर से विकेट पर मौजूद थे मोहसिन और उन्होंने आड़े हाथों लेने की कोशिश की अलबत् को ये क्लियर नहीं कर सके गेंद जब बल्ले से लगी थी ऐसा लगता था कि ये क्लियर कर जाएगी लेकिन अगेंस्ट विंड शॉट खेले थे या ये गेंद काफी देर हवा में रही और उतना ही उम्दा कैच किया उस्मान कादिर ने और ये गेम भी टकराई है सीधी पैड से और यहाँ पर मोहम्मद आसिफ ने आउट दे दिया नवी कामयाबी उमेर बगैर कोई रन बनाए वापस जाएंगे और अब एच बिलाल की टीम जीत से ज्यादा दूर नहीं है यहाँ गुगली के लिए खेले थे अपने पैड के गिर्द खेल गए वाइड द क्रीज गए बल्ला बहुत बार से आया क्योंकि तो नहीं थी लेग स्पिन होगी गुगली के लिए खेले थे बड़ा शॉट खेले है फील्डर मौजूद है लेकिन उनकी पहुंच से दूर छह रन के लिए बड़ा बड़ा कैश ले लिया और इनिंग का खात्मा कर दिया इस विकेट के साथ बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं किस तरीके से फेलो टीम मेंबर्स भाग के जा रहे हैं क्योंकि ये एक अनबिलीवेबल विक्ट्री है एच बिलाल के लिए

यादगार जीत हासिल की और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया एक सौ तेरह एस बिलाल और फिर छिहत्तर पर टीम बंडल आउट हो गई के नुमाया रहे एस बिलाल की तरफ से नईम बत्तीस रन बनाए अहमद जमाल ने बाईस रन बनाए और सलमान फयाज ने बनाए। जबकि चार विकटें हासिल किए नियाज खान ने

उनका उमदा स्पेल रहा सूफिया मुकीम ने भी दो विकटें हासिल की और उस्मान कादिर ने भी दो विकटें हासिल की